और देखिए बीते दो हफ्तों की तरह आज भी गाजा में हमास के ठिकानों पर रात भर हमले हुए। इजराइल के शहरों पर भी रॉकेट अटैक किए गए थे। इजराइल ने रात भर गाजा पर बम बरसाए हैं। गाजा में पूरी रात आसमान पर रह रहकर इजराइल से आते हुए मिसाइलों को देखा जा रहा था। इजराइल के साथ हमास के हमले भी जारी रहे। तेल अवीव शहर में रात के वक्त जब लोग सो रहे थे तभी उन्हें रॉकेट हमलों का सायरन सुनाई दिया। सायरन की गूंज के बीच आसमान में रॉकेट भी देखा गया। ये रॉकेट काफी देर तक तेल अवीव के आसमान में रहा। कुछ ही सेकंड के अंदर इजराइल के आयरन डोम ने इस रॉकेट को नष्ट कर दिया। और हमास की दरिंदगी के बाद इसराइल ने गाजा शहर को बर्बाद कर दिया है। इसराइल ने यहां पर हमास के ठिकानों पर इतने बम बरसाए कि अब गाजा शहर में चारों तरफ खंडर नजर आ रहे हैं। इसराइल हमास के बीच जारी जंग में गाजा तबाह हो गया है। गाजा शहर में हर ओर तबाही का मंजर है। इसराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। गाजा में आई इन ड्रोन तस्वीरों को देखिए, कुछ ही मिनट के अंतर पर कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हवाई हमलों से मानो पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। मलबे और खंडहरों में लोग अपनों की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। गाजा शहर में मातम पसरा हुआ है। तो हमास इसराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 14वां दिन हो गया है। इजरायली सेना गाजा में घुसकर एक्शन की तैयारी में है और अब माना जा रहा है कि हमास के खिलाफ स्ट्राइक और तेज हो सकती है। 14 दिनों में गाजा पट्टी पर इसराइल के हमलों में हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास के कम से कम 10 कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं। हमले में गाजा पट्टी के सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित होने के लिए विवश हैं। गाजा में एक तरफ इसराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, वहीं बड़ी जमीनी हमले की भी तैयारी की जा रही है। गाजा बॉर्डर पर इसराइल के सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। तो इसराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर पर अपने सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। गाजा में इसराइल का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों से मुलाकात कर उनका जोश बढ़ाया। सैनिकों से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि आप शेरों की तरह लड़े हैं और शेरों की तरह ही आगे भी बढ़ेंगे। हम पूरी ताकत के साथ ये जंग जीतने जा रहे हैं। इसराइल की पूरी जनता आपके साथ है। हम ये जंग जीतने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अलहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। पीएम ने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान पीएम ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को इजराइल का दौरा किया और इस दौरान ब्रिटेन ने इजराइल के अधिकारियों के साथ भी देखिए अधिकारों को लेकर जो है समर्थन किया। इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इसराइल पहुंचे। ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से मिलकर हमास के खात्मे तक लड़ने में सहयोग करने का वादा किया। ऋषि सुनक ने कहा, हम इसराइल के अधिकारों का खुलकर समर्थन करते हैं। इस दौरान इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी सभ्य दुनिया की लड़ाई है। इस्लामाबाद में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। लोगों ने इसराइल के विरोध में नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर, बैनर, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल पर गाजा की सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यहां फिलिस्तीन में शांति की मांग की। भीड़ ने इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। फ्रांस के पेरिस शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पेरिस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसराइल के खिलाफ मार्च किया। इसराइल के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में झंडा लेकर यहां लोगों ने अपना समर्थन फिलिस्तीन को दिया। सड़क पर प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी भी चोटिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की गाजियाबाद में आज देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के गाजियाबाद में रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के पहले चरण में नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2019 में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जून 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। तो नवरात्र के पांचवे दिन देश भर में गरबा के इवेंट्स हुए और शानदार रंग देखने को मिले। बिल्कुल, खासकर गुजरात में गरबा खेलने के लिए लाखों की संख्या में लोग घरों से निकले थे। हर साल की तरह इस साल भी गुजरात के शहरों में गरबा का क्रेज देखा गया। राजकोट में इस खूबसूरत लाइटिंग के बीच गरबा खेला गया। इस तरह सूरत में भी युवाओं की भीड़ गरबा खेल रही थी। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी गरबा के बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं।